दो के कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे, जिन्हें कांग्रेस ने पहली बार मैदान में उतारा है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी। पता है इस बार पहली बार आपको टिकट दिया, किस तरह से आप मैदान में उतरे? देखिए कि पार्टी ने 2009 में मुझे पार्षद का टिकट दिया, 2015 में पार्षद का टिकट दिया और 2022 में पूरे विधानसभा के पार्षद के टिकट दिए और नगर निगम में अपोजिशन के लीडर की भूमिका मैं निभा सकूं, ताकतवर तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा सकूं, जनता की आवाज़ उठा सकूं, इसके लिए विपक्ष के नेता की भूमिका में काम करने का मौका दिया। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा और दृढ़ संकल्पित होकर काम करा और उसी के कारण है कि पार्टी ने मुझे आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में विधानसभा लड़ने का मौका दिया और विधायक बनने का मौका दिया। तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते, क्योंकि भाजपा गढ़ मानी जाती है? देखिए गढ़ था पिछले 4-5 सालों में, जिस तरह से हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में काम किया है और जिस तरीके से हमने यहाँ पार्टी का स्ट्रक्चर मजबूत करा बूथ लेवल पे और जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव में रिजल्ट आए कि महापौर के चुनाव में लीड हम 38 पे ले आए, पार्षदों में वही लीड 31 का आ गई, 4 वार्ड हम जीते, 4 वार्ड हम बाउंड्री से हारे और 1-2 वार्ड हमारी गलतियों से हार गए, अदरवाइज ये विधानसभा 50-50 की स्थिति में तो नगर निगम चुनाव में आ चुकी है। जब पूरे इंदौर में नगर निगम में हम मात्र 20 वार्ड जीते हैं, पूरे इंदौर में अगर कांग्रेस पार्टी का वोट कहीं बढ़ा तो वो विधानसभा 2 में है। जो लोग घमंड में चकनाचूर थे उनको जमीन पे आना पड़ा, जो लोग समझते हैं कि सब उनकी पपोती है वो रोड रोड भटक रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं कि जनसंपर्क नहीं करेंगे, मैं तो चैलेंज करता हूँ, अगर वाकई में जुबान के पक्के और दम है तो दिखाओ कि जनसंपर्क नहीं करोगे। अरे आप 10 बार जनसंपर्क कर लोगे उसके बाद भी 25,000 वोटों से हराऊंगा कम से कम। जो क्षेत्र मांग 1 के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला वो बता रहे थे कि क्षेत्र मांग 2 में सबसे ज्यादा नशा बिकता है। हाँ, ये सत्यता है। पूरे शहर में अगर पॉलिटिक्स को किन्हीं लोगों ने कलंकित किया, गंदा किया तो वो क्षेत्र क्रमांक 2 के नेता है, वो चाहे वो कैलाश जी हो, चाहे रमेश जी हो, जो गुंडों को संरक्षण देते हैं, चीटरों को संरक्षण देते हैं, गलत काम धंधे अवैध काम काज करने वाले गुंडे बदमाशों को, कब्जेधारियों को अगर किसी का संरक्षण है तो वो है हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के तथाकथित नेता कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश सुंदला जी। आपका क्या रोड मैप है, क्या प्लान किया आपने? देखिए ईश्वर ने मुझे कठिन समय में भी, जब 2015 में सबको लग रहा था, जब कैलाश जी के बेटे आकाश जी मेरे यहाँ लगे हुए थे कि अब तो गया चिंटू चौक से, आपने भी सर्वे करा था उस समय, लेकिन जनता ने कठिन समय में भी, जब कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा बड़ा कठिन समय था उस समय भी जनता ने आशीर्वाद दिया। पिछला इलेक्शन तो ऐसा था जैसे कि हम विजय रैली निकाल रहे, इसलिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर हमारा मुकाबला किसी जनप्रतिनिधि जनसेवक से होता तो निश्चित रूप से हमारा हमको चुनाव कठिन होता, लेकिन चूंकि हमारा मुकाबला ऐसी व्यक्ति से है जो 15 साल में 5% लोगों से मिलने तक नहीं गए आज तक, नंदा नगर बजरंग नगर से लेके भमोरी से लेके वो भवानी नगर हो, चाहे वो मालवीय नगर हो, चाहे 78 हो, चाहे निरंजनपुर हो, सभी जगह ये स्थिति, चाहे मेरा खुद का वार्ड हो, 5% जगह उपस्थिति नहीं थी आदरणीय की। यही कारण है कि निष्क्रियता सबसे बड़ा मुद्दा है, क्षेत्र क्रमांक 2 में गुंडागर्दी का बोलबाला, अवैध कब्जे का बोलबाला ये दूसरा मुद्दा है, चंदाखोरी तीसरा मुद्दा है, कोई बहुत बड़ा स्कूल अस्पताल महाविद्यालय कुछ नहीं, 2 नंबर में ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है, ये चौथा मुद्दा है, युवा हमारा नशे की ओर जा रहा है, हम नशे पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये हमारा 5वां मुद्दा है। तो विधानसभा 2 को संपूर्ण रूप से मूलभूत सुविधाएं दिलाने के साथ साथ लोगों का जीवन व्यवस्थित कैसे हो, लोगों का जीवन सुरक्षित कैसे हो, लोग सुरक्षित ढंग से हर आदमी कॉलोनाइजर बिल्डर व्यापारी दुकानदार मकान वाला अपना काम कर सके, लोग अपना मकान बना सके। नंदा नगर का आपको ध्यान होगा पिछली बार एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बच्ची ने करा था जिसमें चंदू भैया और आदरणीय रमेश जी के खिलाफ बोला था कि गुंडों ने मेरा मकान तोड़वा दिया, इसी तमाम तरह की घटनाएं विधानसभा 2 में है जो ताकतवर तरीके से परिवर्तन करने के लिए बैठी हुई है। 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो यह तय है कि क्षेत्र क्रमांक 2 में 30 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी का विजय पताका फहराएगा, कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लहराएगा और हम क्षेत्र क्रमांक 2 से प्रचंड विजय हासिल करेंगे। ये थे चिंटू चौक से क्षेत्र क्रमांक 2 के कांग्रेस प्रत्याशी, जिनका कहना है भले ही 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र भाजपा का घर रहा हो लेकिन अब इस बार हम चुनाव में कड़ी टक्कर देंगे। अभिषेक चेंडके, अमर उजाला के लिए इंदौर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।